बिल्कुल गगन, इस समय बस्सी पठाना विखे मौजूद हाँ जिथे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का वड्डा कह सकते ऑपरेशन जो गैंगस्टर के खिलाफ चलाया गया। तस्वीर दिखावे बस्सी पठाना दी तस्वीर ने जिथे कह सकते जो गैंगस्टर तेजा का इनकाउंटर किया गया, होर जो गैंगस्टर से उन्होंने इनकाउंटर किया गया। दो गड्डिया जी तुम देख सकते हो, एक स्कॉर्पियो एक थार गड्डी है, जिन्हों का एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स वालों पिछा लगातार काफ़ी लंबे समय तो किया जा रहा, क्योंकि 8 जनवरी तो लगातार पुलिस वालों इन्हों गैंगस्टर की भाल जारी सी। हालांकि पुलिस इतने ये जो कह सकते हैं गिरफ्तार करने के लिए पहुंची सी, पर जिस समय पुलिस पार्टी से हमला किया जाता तो उस तो बाद जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स आ उस वालों जेडे कि क्रॉस फायरिंग के दो जो गैंगस्टर ने उन्हों का इनकाउंटर कर दिया जाता। ये खास तौर पर तस्वीर बस्सी पठाना दी तस्वीर दिखा रहे हैं जिथे लगातार कह सकते हैं पंजाब के गैंगस्टर के विरुद्ध पंजाब पुलिस की खास तौर पर कह सकते वड्डी कार्रवाई लगातार देखने मिल रही है। तो उत्थी अज गैंगस्टर तेजा जिसके उपर 38 तो वध मुकदमे दर्ज सन, उसका पंजाब पुलिस वालों एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स वालों एक वड्डे ऑपरेशन के तहत इनकाउंटर किया गया। तो खास तौर पर कह सकते हैं वड्डी कामयाबी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के हाथ लगी है, जो पंजाब पुलिस के जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के सीनियर अधिकारी ने उन्होंने नाल भी जी गलबात की कोशिश जरूर करेंगे कि किस तरीके दे नाल वह वेख रहे हैं, क्योंकि अजिहियां कार्रवाइयां लगातार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स वालों की जा रही ने। तो उन्होंने कार्रवाइयों लैके खास तौर पर कह सकते हैं कि वो जी कि अगे की रणनीति होगी, क्योंकि लगातार अजिहियां कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हालांकि भीड़ भड़ाके वाला इलाका जरूर सगा पर पुलिस वालों जो गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। साढ़े नाल पुलिस के जो सीनियर अधिकारी ने वो भी मौजूद ने, उन्होंने गलबात की कोशिश करेंगे कि वह किस तरीके के नाल वेखते हैं, क्योंकि हालांकि ये आपस के जो गलबात सीनियर अधिकारियों वालों की जा रही है, क्योंकि ये जो एक ऑपरेशन वड्डे कामयाबी हुई है। सर साढ़े नाल मौजूद ने, सर किस तरीके के नाल वेखते हो अज की कुछ खास होया जो इनकाउंटर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के वालों किया गया, सर है की कुछ अज खास होया जो कि इनकाउंटर होया किस तरीके के नाल कदों तो जानकारी सी? जिस तरह तुहानू पता है कि जनवरी 8 नूं अपना फ्लोर नेड़े एक शूट आउट होया सी, जिस दे विच गैंगस्टर वालों अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई सी पुलिस पार्टी से, उहदे विच साडे कॉन्सटेबल कुलदीप सिंह शहीद हो गए सन, जिहदे विच FIR नंबर 3 फ्लोर थाने दे विच दर्ज है। उहदे विच जिहड़ा ये जिस गैंग वालों इस नूं अंजाम दिता गया इस क्राइम नूं, उहदा जिहड़ा मुख सरगना सीगा उह इह तेजा सीगा, ते महतपुर थाने मतलब पिंड दा रहिण वाला हैगा। इसकी जिहड़ी अफिलिएशन है गुरप्रीत सिंह कों गैंगस्टर नाल हैगी है, अते इसका जिहड़ा पिछोकड़ है वह भी काफ़ी इहदा जिहड़ा जुर्म भरिया है, इहदे विच अराउंड 37 परचे इहदे ते दर्ज ने। तो असी उस तरी उस तो बाद ही असी इहदी भाल विच सीगे, ते उसकी असी कड़ियां नाल कड़ियां जोड़ते हुए सानू अज पता लगा कि यह बस्सी पठाने दे मार्केट दे विच हैगा। तो जदों असी इस नूं स्पॉट कीता ते साडी पुलिस पार्टी ने इस नूं मतलब रोकिया, जदों इत्थे बाहर निकली पुलिस पार्टी अपनी गड्डियां चों, तो इन्हें पुलिस पार्टी से अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर दी, जिस दे विच साडे सब इंस्पैक्टर गुरप्रीत सिंह इंजर्ड ने, सुखराज कॉन्सटेबल इन्हें गड्डी चढ़ा भजाने की कोशिश की, चढ़ाई तो वे लत्तां ते चढ़ा के लत्तां टुट गई ने। सर एक गड्डियां देख रहे हैं तस्वीरों के दोवें गड्डियां गैंगस्टर जो थार गड्डी विच सीगे, ओके, ये जिहड़ियां अगे पिछे गड्डियां साडियां गड्डियां ने, असीं उन्हां नूं रोकण की कोशिश की सी, तो उन्हें अनप्रोवोक्ड फायरिंग की, जिवें मैं दस्या जिहदे विच साडे दो एक मुलाजम सब इंस्पैक्टर इंजर्ड ने, फायर आर्म इंजरी हुई है उन्होंने, तो दूसरे जिहड़ियां उन्हें भजा के लत्तां तोड़ दित्तियां ने गड्डी नाल। तां क्रॉस फायर दे विच तेजे दी मौके ते डैथ हो गई है, उस दे नाल जिहड़े दो होर बंदे इंजर्ड होए सी, एक दी मौके ते डैथ हो गई है, तो जिहड़ा तीसरा बंदा हैगा ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ? ਹਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਮਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? देखो पंजाब पुलिस कमिटेड है, DGP साहब तो CM साहब दी जिहड़ियां हदायतां बड़ियां क्लीयर ने साडे लई, उन्हां दा असी इस पंजाब च अमन कानून की शांति बनाने नूं असी वचनबद्ध हैं, तो असी इस जिहड़ा नासुर हैगा इसनों जड़ों खत्म कर देंगे।
बिल्कुल जो गगन कह सकते हैं पंजाब नू क्राइम फ्री करने की कोशिश कह सकते की जा रही है। तो यह तस्वीर जिहड़ियां कि असीं तुहानू हुण दिखा रहे हैं पंजाब पुलिस के जो सीनियर अधिकारी ने संदीप गोयल वो साडे नाल मौजूद सन। यह गड्डियां जिहड़ियां कि तुसीं दो गड्डियां देख सकते हो, हालांकि पुलिस वल्लों पिछा जो जदों तों कीता जा रहा सीगा गैंगस्टर तेजा ते उसदे साथियों का, तो इस गड्डी दे विच थार गड्डी दे विच जो गैंगस्टर तेजा ते उसदे साथी मौजूद सन। पुलिस वल्लों खास तौर पर कह सकते हैं जिस समय रोकने की कोशिश की जाती है तो उस तों बाद जो पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जो पुलिस अधिकारी सन उन्होंने गैंगस्टर वालों हमला किया जाता। तो हमले तो बाद कह सकते हैं कि अजय कि पुलिस वालों रोकने की वार बार कोशिश की जाती है, पर जिस एनकाउंटर के दौरान कह सकते दो गैंगस्टर की डैथ होंगी है, एक गैंगस्टर जो गिरफ्तार कर लिया गया। उस तो लैके खास तौर पर कह सकते हैं पुलिस वालों अगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, पर यह इलाका जो खास तौर पर इलाका देख सकते हो कि एक आम वसो वाला इलाका, हालांकि पुलिस वालों पहल के आधार से यह कोशिश जी खास तौर पर कह सकते की जा रही थी गिरफ्तार किया जाए।